माई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल गार्डनिंग एट होम। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो मेरे गार्डन के मेक ओवर पे है। तो मैंने अपने गार्डन में कुछ चेंजेस किए हैं और वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो की शुरुआत हमारे हिबिस्कस के प्यारे प्यारे फ्लावर्स के साथ हो रही है और उम्मीद है आप लोगों को मेरे गार्डन में हुए चेंजेस पसंद आएंगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये गार्डन ओवरव्यू तो नहीं कहेंगे, हाँ, गार्डन का जो मेकओवर है वो पसंद आए तो बिल्कुल इसे कमेंट करके बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहले से हैं वो जानते हैं कि मेरा गार्डन पहले कैसे था और मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। और जो फ्रेंड्स मुझसे अभी जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि मेरा गार्डन कैसे था। तो मैंने एक बार पहले भी अपने गार्डन मेकओवर पे वीडियो डाला था और आज मैं फिर से एक कुछ चेंजेस मैंने अपने गार्डन में किए हैं तो वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और देखिए, उससे पहले देखिए, ये हमारा टमाटर बिल्कुल रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। पीछे भी कुछ टमाटोज निकले हैं और मेरे टमाटो के प्लांट में बहुत सारे नंबर्स ऑफ फ्रूटिंग हुई है इस समय। तो इसकी सीडलिंग मैंने आप लोगों से शेयर की थी कि मैंने इसकी सीडलिंग कैसे की है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं और अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि मैंने अपने गार्डन में क्या क्या चेंजेस किए हैं। फ्रेंड्स, एंट्रेंस से ही शुरू करते हैं। जो मैंने चेंजेस किए हैं, जो मैंने मेकओवर किया है अपने गार्डन का, तो ये देखिए, मैंने ये राउंड लगवाया है और इस पर मैंने अपने कृष्ण कमल की बेल चढ़ा दी है और इस साइड से मैंने मोगरा का जो प्लांट है वो उसकी बेल यहाँ से मैं इधर से चढ़ाऊंगी। तो और इधर मैंने कुछ हैंगिंग बास्केट्स पहले भी मैंने लगाए थे, उसमें मैंने स्ट्रॉबेरी लगाया हुआ है। इधर मेरा स्लीपर प्लांटर है और नीचे आए तो जहाँ मैंने अपने जीन्स प्लांटर रखे थे उसको हटा के मैंने यहाँ पे दो प्लांटर रखे हुए हैं अपने सिरेमिक के, और उसमें गुलदाउदियाँ लगाई हुई हैं। और एंट्रेंस पे इधर मैंने स्टैंड रख दिया है जिसमें मैंने पुदीना का, ये आगे पुदीना लगा हुआ है और गुलदाउदी वगैरह लगी हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इधर भी दिखा दूँ, इधर भी मैंने कुछ प्लांटर्स हैंग कर रखे हैं, ये इसमें मैंने पिटूनिया वगैरह लगा रखा है और जब ये बड़े हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो मेरा कॉर्नर था जहाँ मैंने अपना फाउंटेन रखा हुआ था पहले, जो मेरा DIY फाउंटेन था, उसको हटा के मैंने एक स्टैंड यहाँ पर बनवाया है, कॉर्नर स्टैंड। तो बिल्कुल अपने लोकल जो हमारे ग्रिल वाले होते हैं उनसे बनवाया है और यहाँ पे मैंने अपने सारे ही अडेनियम के कलेक्शन रखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने सारे ही अपने अडेनियम के कलेक्शन रखे हुए हैं। कुछ क्रिएशन जो मैंने किया था, ये बुद्धा प्लांटर मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी जो मैंने ये बनाया हुआ है। और ये अडेनियम के प्लांटर में मैंने फेरी एक गार्डन बनाया है जिसमें कुछ हाउस और एक फेरी बैठी हुई है एक टेडी बियर के साथ। तो ये सब मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है, बहुत ही इजीली ऑनलाइन आपको मिनिएचर गार्डन के सारे ही टॉयज मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक शिप है, इस तरीके से कुछ क्रिएशन है और देखिए हमारा कितना प्यारा सा ये एडेनियम का शेड है। और ये हमारा रोज़ी वैरायटी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है ये। तो मैंने कोई ना कोई क्रिएशन अपने सारे ही अडेनियम पे किया हुआ है। तो ये कॉर्नर मैंने पूरा अडेनियम से रखा हुआ है, अडेनियम कॉर्नर है ये मेरा। और इधर जो मेरे प्लांटर्स रखे हुए थे वो पहले वाले, वो सारे ही हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिलहाल मैंने यहाँ पे अपनी ग्रीन कारपेट बिछा दी है और ग्रीन कारपेट लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है हमारा गार्डन। और यहाँ पे भी मैंने एक बुद्धा प्लांटर रखा हुआ है जो मेरा DIY क्रिएशन है, ये देखिए। और जो मेरी डेलिया की जो मैंने सीडलिंग की थी तो उसका प्लांट मेरा रेडी हो गया था, उसी प्लांट को मैंने इसमें लगाया हुआ है।
तो मेरी सारी सीडलिंग रेडी हो गई थी। देखिए ये कैलेंडुला की है और ये साल्विया की है, पीछे हॉलीहॉक की है, जो भी मेरी सीडलिंग रेडी हो गई है वो सब मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो फ्रेंड्स जब हम सीडलिंग करते हैं तो हमें पॉट्स और प्लांटर की बहुत ही कमी हो जाती है, क्योंकि हमें कितने प्लांट्स हम कहाँ पे अरेंज करें। तो इस तरीके से कुछ हम DIY क्रिएशन जब अगर करके हम उसमें लगा देते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक भी देने लगता है हमारे गार्डन को, और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो भी यूज़ हो जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे बस यही चेंजेस हैं। और साथ में देखिए हमारे ये जो गुलदाउदियों की मदर प्लांट थे उसमें देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और जो हमने कटिंग्स लगाई थी उसमें तो बर्ड्स काफ़ी नंबर्स में आ गए हैं, पर जो हमारा मदर प्लांट है उसने फ्लावरिंग जो है वो देना शुरू कर दिया है। और बिल्कुल प्रूनिंग के बाद हमारे रोज़ेस भी काफ़ी अच्छे से ब्लूम देने लगे हैं। अब देखिए हमारी सारी ही गुलदाउदियों में कितने अच्छे नंबर्स ऑफ बर्ड्स आए हुए हैं, काफ़ी नंबर्स में, और कुछ दिन में ये सारे जब ब्लूम करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा हमारा गार्डन। तो फ्रेंड्स कुछ चेंजेस मैंने अभी किए हैं, और कुछ चेंजेस मैंने जो अभी करना है वो अभी मैं धीरे धीरे करूँगी। फ़िलहाल मैं जो चेंजेस कर चुकी हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने ये यूज़ किया हुआ है एक फेंस गार्डन को बहुत ही अच्छा लुक देने के लिए, ये आर्टिफिशियल है, और ये मेरे सेंटर को कंप्लीट कर रहा है, ये मेरा सेंटर गार्डन। और बिल्कुल इसको भी मैंने अपने डेकोरेटिव स्टोन से कॉर्नर में बिल्कुल इसे लगाया है, अपने सारे ही DIY स्टोन्स। और यहाँ हमारे येलो, ऑरेंज और ये जो हमारे वेनिला कलर के जो हमारे वाइट मैरीगोल्ड हैं वो सारे हैं। साथ में बीच बीच में कुछ मैंने मिसमैच करने के लिए सिर्फ एक कलर ना हो हमारे सेंटर में, हमारा सेंटर जो है वो सभी कलर्स उसमें आने चाहिए। तो उसमें देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, येलो, वाइट, ऑरेंज सारे ही कलर इसमें हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो बिल्कुल मैंने अपने सेंटर को सारे ही कलर से सजाया है, तो मिसमैच करके मैंने लगाया हुआ है अपने सेंटर के चारों ओर अपने प्लांट्स। तो बिल्कुल इसमें डेलिया भी है जो हमारे पॉम्पम वैरायटी के है, साल्विया है और कैलेंचूस, ये देखिए हमारे वाइट कैलेंचूस, पिंक, ऑरेंज, रेड, यहाँ साल्विया और ये हमारा अजेलिया। तो सारे ही कलर मैंने इसमें लगाए हुए हैं, और बीच बीच में जो मेरे प्लांटर हैं उनमें मैंने गजानिया लगाया हुआ है, और ये देखिए हमारा गजानिया का भी ब्लूम। और मैंने अपनी ग्रीन कारपेट को पूरा यहाँ तक लगाया है, ये कॉर्नर भी मेरा पूरा कंप्लीटेड हो गया है। और एक मैंने यहाँ पे जो मेरी वर्किंग टेबल थी पहले, आपने देखा होगा अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने एक स्टैंड बिल्कुल चकोर में बनाया हुआ था वर्किंग टेबल, एज अ वर्किंग टेबल, पर उस पर प्लांटर्स रखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने उसको ही कटवा के इसको 3 स्टेप में डिवाइड करवा दिया है, ताकि मैं इसमें एक वर्टिकल गार्डन, वर्टिकल अपने प्लांटर्स को रख सकूं। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे ही वर्टिकल इन डिवाइड कर दिया है इस स्टैंड को 3 स्टेप में, और यहाँ पे भी मैंने सारे प्लांटर्स रखे हुए हैं। और ये देखिए हमारे क्रिसेंथेमम का एक और कलर बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये भी ब्लूम हो रहा है, और अगेन नीचे मेरे ये डेलिया की ही कटिंग रखी, सॉरी सीडलिंग रखी हुई है जो मेरे प्लांट्स रेडी हो गए थे। और साथ में मैंने कुछ हैंगिंग बास्केट्स में अपने पिटूनियाज वगैरह लगाए हुए हैं। और ये मेरा ग्रीन कार्पेट आपने पिछले ईयर देखा हो तो मैंने बस वहीं तक लगाया हुआ था, और अब मैंने अपने पूरे इस साइड के गार्डन में पूरा ही लगाया हुआ। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक टेबल और चेयर का अरेंजमेंट किया है, क्योंकि ठंडी में हम लोग हमेशा धूप में बैठते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे
गर्मा गर्म चाय पीने का आनंद लिया जाए। और एक फेंस का लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके की क्रिएटिविटी की है, क्योंकि आगे मैंने अपने कारपेट को नहीं बिछाया है, क्योंकि हम लोग गार्डन के जो हमारे काम होते हैं ना मिट्टी वगैरह के, तो वो सरफेस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे खाली रखा है अपने वर्क करने के लिए। अगर हम सारे ही गार्डन में इस तरीके से कारपेट लगा देंगे तो फ्रेंड्स इधर का एरिया मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, कारपेट नहीं बिछाया है अपने गार्डन के वर्क के लिए। और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक टायर प्लांटर रखा था, तो मैंने यहाँ पे कुछ और टायर प्लांटर इस तरीके से क्रिएट किए हैं, और इसमें मेरी जो भी रेडी सीडलिंग्स थी उन सबको लगा दिया है। और इन सारे टायर प्लांटर्स में मैंने अपनी सारी सीडलिंग्स को लगा दिया है। मैंने जैसा कहा कि बिल्कुल जब हमारे सीडलिंग्स रेडी हो जाते हैं तो हमारे पास प्लांटर्स की कमी हो जाती है, तो देखिए बिल्कुल उसको पूरा करने के लिए इस तरीके से मैं क्रिएशन करती रहती हूँ। और वो फेविकोल के डब्बे से मैंने जो क्रिएशन किया था वो भी मैंने आपसे अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है कि मैंने उसे कैसे बनाया है। और टायर प्लांटर मैंने कैसे बनाया है इस पर भी मेरा वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये टायर प्लांटर बना के यहाँ पे अपने सारे सीडलिंग्स को लगा दिया है। और जब इसमें हमारे विंटर प्लांट्स, इन सारे विंटर प्लांट्स में जब फ्लावरिंग होगी तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। कुछ क्रिसेंथेमम के और बाकी सारे जो हमारे कैलेंडुला हैं और जिरेनियम हैं, इन सबकी सीडलिंग मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ये देखिए सारी सीडलिंग मैंने लगाई हुई है, और बिल्कुल जब ये फ्लावरिंग करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इधर हमारे सारे ही हिबिस्कस के कलेक्शन हैं, तो बिल्कुल देखिए इस तरीके से अब दिख रहा है हमारा गार्डन। और ये हमारा गैलेडियस में भी फ्लावरिंग हुई है काफ़ी खूबसूरत तरीके से, और बालसम भी अभी फ्लावरिंग हमारा कर ही रहा है। बस इसके हमको सीड्स, अब देखिए सीड स्पॉट कितने बन गए हैं, अब इन्हें इकट्ठा करना है। तो फ्रेंड्स ये चेंजेस हैं हमारे गार्डन में, और आई होप आप लोगों को मेरे गार्डन का ये चेंजेस पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल अगर मेरा वीडियो और मेरे चैनल को आप लाइक करते हो तो बिल्कुल अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। और बिल्कुल इसी के साथ अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ, और फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, बाय।